इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनेफिसेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। डियर सेकेंड ईयर क्लास, अस्सलामु अलैकुम, होप यू ऑल आर फाइन। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक जीरोग्राफी और फोटोकॉपियर। स्टूडेंट्स, आज हम फोटोकॉपी मशीन की वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है। तो हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे फर्स्ट हमारे पास जो डिवाइस आती है वो है फोटोकॉपी मशीन। तो फोटोकॉपी मशीन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें जीरोग्राफी को स्टडी करना चाहिए, इसके इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जीरोग्राफी, इसको अगर हम देखें इलेक्ट्रोग्राफी भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजिंग भी बोलते हैं। तो इसके जो अदर्स नेम आ जाते हैं वो है इलेक्ट्रोग्राफी और इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजिंग। ये एक ग्रीक लेटर से ड्राइव किया गया है स्टूडेंट्स। अब इसमें टू हमारे पास इसके रेडिकल्स होते हैं, एक होता है जीरोस और दूसरा है ग्राफोस। और जीरोस का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में ड्राई, और इसी तरह अगर हम ग्राफिस का मीन देखते हैं ग्रीक लेटर में तो इसका मतलब होता है राइटिंग। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो जीरोग्राफी है वो हम कह सकते हैं ड्राई राइटिंग। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम ड्राई राइटिंग का वर्ड एक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ड्राई राइटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जहाँ पे एक टोनर यूज करना होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है, तो इस बना पे हम इसको ड्राई राइटिंग का भी नाम देते हैं। हम डिफरेंट कंपोनेंट्स पे देखेंगे। अब इसमें देखें कि जिसने इसको डेवलप किया है उसका नाम है चेस्टर कैल्सन। इसने 1938 के अंदर इसको डेवलप किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एक फोटोकॉपी मशीन में कैसे हम इनपुट के तौर पर एक पेज देते हैं जिसको हमने कॉपी करना होता है, और फाइनल उसका इमेज कैसे एक मशीन से गुजरता है और किन किन प्रोसेस से, किन किन कंपोनेंट से, किन किन पार्ट से जो है वो ये एक पेज गुजर के आता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक चेस्टर चार्ल्सन है जिन्होंने फोटोकॉपियर मशीन को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये हमारे पास एक फोटोकॉपियर मशीन है, इसके अंदर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें आपको डिफरेंट जो है वो ड्रम्स जो है वो दिखाई दे रही होंगे। हम इन ड्रम्स के बारे में भी देखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखें कि हमारे पास जो पेज होता है, जिस पेज को हमने कॉपी करना होता है, हम यहाँ पे रखते हैं। रखने के बाद वो पेज यहाँ पे देखें, उसका जो इमेज है, जो पेज हमने रखा है उसका इमेज यहाँ से फिर इस ड्रम पे आता है। और एट द एंड यहाँ पे आप देखें हमने क्या किया है, एक पेपर ब्लैंक एंटर किया है यहाँ से। तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे और इधर से जो इमेज आता है वो इमेज इसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो आप देखें कि यहाँ पे इसका इमेज आप देख रहे होंगे, ये इमेज इसका प्रिंट होने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसके फाइनल ट्रे तक पहुंच जाता है। तो इस तरह हमारे पास एक फोटोकॉपी मशीन जो वर्क करती है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हर एक कंपोनेंट का काम क्या होता है, हर एक कंपोनेंट क्या कुछ काम यहाँ पे सर अंजाम देता है। अब देखें कि इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एक नंबर वन लैंप है। ये आपके पास वो ट्रे होती है जिस पेज को हमने कॉपी करना होता है वो हम यहाँ पे रखते हैं। ये एक लेंस होता है। अब लैंप का काम होता है लाइट। आपने देखा होगा कि जब हमने पेज को रखा था तो एक लाइट जो है वो वहां से गुजरती है, तो स्टूडेंट्स वो इस लैंप के जरिए से वो लाइट आ रही होती है। अब ये लेंस है, लेंस का काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है। अब ये आपके पास एक ड्रम होता है और इसके साथ आप देखते हैं एक टोनर है, ये ब्लैंक शीट है जिसके ऊपर हमने कॉपी करना है। और ये आप देख रहे हैं रूलर्स होते हैं, इसका काम होता है फ्यूज करना। और एट द एंड आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक प्रिंटेड इमेज जो है वो आती है। अब इसमें जो ड्रम है, ड्रम स्टूडेंट्स यहाँ पे चार्ज का काम करता है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ रहे हैं, अब इसके प्रिंसिपल में हम कह सकते हैं कि
यहाँ पे अट्रैक्शन होती है अनलाइक चार्जेस की, जिसकी वजह से हमारे पास एक उसका फाइनल इमेज बनता है। यहाँ पे आप देखें इस प्रोसेस से देखते हैं कि एक पेज कैसे गुजरता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एक ब्लैंक शीट के ऊपर पेपर हमारे पास यहाँ पे कॉपी होके निकलता है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जो ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर एक लेयर होती है एल्यूमिनियम की, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं कोटिंग कर देते हैं सिलीनियम की। अब अगर आप देखें जो एल्यूमिनियम होता है ना, ये कंडक्टर है, एल्यूमिनियम एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक कंडक्टर है। स्टूडेंट्स इसके ऊपर हमने जब लेयर की होती है, लेयर हम किस चीज की करते हैं, टोनर है, इसके ऊपर हमने लेयर यहाँ पे हमने सिलीनियम की कर दी है। सिलीनियम मटेरियल होता है और इसको हम नाम देते हैं फोटो कंडक्टर का। अब फोटो कंडक्टर क्यों बोलते हैं इसको, सिलीनियम को हम फोटो कंडक्टर इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर बन जाता है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़नी बंद होती है तो ये एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम फोटो कंडक्टर भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, इसको फोटो कंडक्टर क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट जैसे ही हमने पेज रखा, जब हम पेज रखते हैं तो पेज के ऊपर आप देखते हैं पेज के ऊपर ब्लैक कलर की राइटिंग होती है, पूरे ब्लैक। अगर आप देखें तो जो हमारे पास एक पूरा पेपर होता है, पेपर के ऊपर जैसा कि आपने देखा कि ये एक हमारे पास एक इनपुट है, एक पेपर है जिसको हमने कॉपी करना, तो इसके ऊपर लेटर्स होते हैं। जो लेटर्स हैं वो किस कलर के होते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ पे हम पेज रखते हैं तो उसका इमेज यहाँ पे जाता है। स्टूडेंट्स अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो ब्लैक होता है, ठीक है, जो ब्लैक है, ब्लैक में से जो है वो लाइट जो आपको पता है नहीं गुजरती। जो लाइट कलर होती है जिसको हम कहते हैं, ये इसकी वाइट कलर है जो खाली जगह होती है, इसमें से लाइट जो है वो गुजर सकती है। अब देखें कि जैसे ही लाइट इन ब्लैंक शीट में से, यहाँ पे देखें अगर आप ये एक लेटर देख रहे हैं इसके ऊपर लेके, तो ये इसका खाली हिस्सा है। जब लाइट यहाँ से गुजरती है ना, इसके ऊपर पड़ती है, तो ये जो सिलीनियम होता है इसके ऊपर लाइट पड़ने से, इसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर बन जाता है। स्टूडेंट्स अब आप देखें जो हमारे पास जो लेटर होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज, हम इनको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब देखें जैसे ही इसमें से, जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है तो कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, तो फिर इसमें न्यूट्रलाइजेशन होती है। अब इधर आप देखें जो टोनर है, टोनर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। टोनर का काम होता है नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज वो इसको प्रोवाइड करता है, करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे लेटर की अट्रैक्शन होती है, जिसकी बिना पे हमारे पास पेपर के ऊपर प्रिंटिंग होती है। ये जो रूलर होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसको फ्यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक वीडियो है, इस वीडियो में हम समझते हैं एक चीज को। अब ये लेटर है, ठीक है, ये ओरिजिनल हमारे पास डॉक है, ये हमारे पास लाइट है, ये लेंस है। अब देखें कि इस पे यहाँ से, और ये टोनर है, टोनर ने क्या करना होता है, ये देखें यहाँ पे आया इसका इमेज। टोनर ने क्या करना होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करने होते हैं। अब देखिए ये लेटर आप देख रहे हैं ना, ये लेटर फिर यहाँ से घूम के ये ब्लैंक शीट यहाँ से जाती है, और फिर वो जो इमेज यहाँ से आ रहा होता है ना लेटर का, वो इसके ऊपर प्रिंट होता है। फिर हमारे पास ये ड्रम क्या करते हैं, ये जो रूलर्स हैं ये इसको फ्यूज कर देते हैं, एट द एंड हमारे पास कॉपी होके डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी वर्किंग थी, ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ड्रम चार्ज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का इमेज आता है, फिर आप देखते हैं कि टोनर जो है वो फिक्स होता है, कि टोनर में मैंने बताया ना कि यहाँ पे अट्रैक्शन होती है, कि नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया तो जो डॉक होता है उसके ऊपर ये लेटर देखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज। तो फिर उसके बाद इस ड्रम में से, ठीक है, ये जो रूलर्स हैं इसमें से फ्यूज होते हैं, इसका मतलब होता है इसमें जोड़ना होता है। आपने कभी एक बार देखा होगा कि
जब कॉपी करवाते हैं तो हमारा पेपर जो होता है वो गर्म होता है, तो स्टूडेंट्स वो इन रूलर से, ये इस रूलर का काम होता है, रूलर उसको जब फ्यूज करता है तो पेपर तब गर्म होता है, तो फिर हमारे पास ये इसका फाइनल रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास वर्किंग इसकी, जीरोग्राफी की एक फोटोकॉपी मशीन की, जिसमें हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे एप्लीकेबल है, कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टडी करते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।